तो मैं अभी जा रहा हूँ भाई एयरपोर्ट की तरफ। एक्चुअली मैं मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया सिंपली अपने माइकल एंड ट्रेवर, और उन लोगों ने कहा कि भाई वो लोग कुछ बहुत ही अल्टीमेट तगड़ा सा चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई ज़रा मैं भी देख आऊँ आखिरकार ये लोग कैसा चैलेंज कर रहे हैं। ट्रेवर ने तो भाई डायरेक्टली ऑफर दे दिया कि फ्रैंकलिन तुम्हें अगर पार्टिसिपेट करना है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब पता नहीं भाई क्या चैलेंज कर रहे हैं ये लोग, अगर कुछ बढ़िया से इंटरेस्टिंग चैलेंज हुआ देन मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, वरना अगर कुछ फालतू से चैलेंज हुआ फिर तो पार्टिसिपेट मैं नहीं करूँगा। हाँ कुछ पार्कोर वगैरह वाला चैलेंज हो देन आई एम रेडी। यस भाई पार्कोर वाले चैलेंजेस मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, बट लगता नहीं है पार्कोर चैलेंज होगा क्योंकि उन लोगों ने एयरपोर्ट पे बुलाया है और मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी एयरपोर्ट पे कोई पार्कोर चैलेंज किया है। खैर आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, कहाँ है अपने दोस्त माइकल और ट्रेवर, इस वेयर हाउस में? नोप नहीं है भाई, यहाँ वेयर हाउस के अंदर तो नहीं है। वैसे तुम लोग ज़रा मेरी ये गाड़ी देखो भाई कैसी लग रही है, ये मेरी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स क्लासिक, एकदम यूनिक है कि नहीं भाई, लॉस सैंटोस की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कार है ये। बाकी एक सेकेंड, हाँ माइकल दिख गया। हेलो माइकल बड़ी, कैसे हालचाल? और वो आई गेस ट्रेवर है, हाँ यस बिल्कुल ट्रेवर बड़ी कैसे हैं तेरे हालचाल? बाकी ये बंदा शायद इनके चैलेंज का ऑर्गेनाइजर लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं ज़रा अपनी गाड़ी को इधर साइड में लगा देता हूँ भाई, एंड ज़रा चेकआउट करते हैं कि आखिरकार चैलेंज क्या है। अगर पसंद आया चैलेंज देन मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ सिंपली, वरना चुपचाप निकल लेंगे यहाँ से। ओके तो सर ज़रा मेरे को एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर चैलेंज कौन सा चल रहा है? ओके तो गाइज यहाँ पर चल रहा है आरसी ट्रेन बिल्डिंग चैलेंज, समझ में आया तुम लोगों को? हमें बनानी है आरसी ट्रेन और जिसकी आरसी ट्रेन सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी उसको मिलेगा 100 करोड़, दैट्स द चैलेंज, दैट्स इट। यस यहाँ पर भाई हम सारे बंदों को भाई लगभग 12 घंटे मिलने वाले हैं, और 12 घंटे के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन आरसी ट्रेन बना पाएगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। जिसकी आरसी ट्रेन में होगा दम वो सिंपली इस चैलेंज को जीत जाएगा और उसे मिलेंगे 100 करोड़, डेट्स इट भाई, बस यही है चैलेंज। देखो भाई चैलेंज वैसे देखने में काफ़ी छोटा सा काफ़ी सिंपल सा है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये आरसी ट्रेन बिल्कुल छोटी सी होने वाली है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आरसी ट्रेन बिल्कुल एकदम नॉर्मल साइज की ट्रेन होने वाली है, और बस इसमें फ़र्क ये होगा कि इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, डेट्स वाई आरसी ट्रेन। और इसके अलावा जो आरसी ट्रेन की टेस्टिंग है उसके लिए भाई एक अलग से पटरी भी लगा रखी है इन लोगों ने। ये देखो भाई ये सीरियसली में यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन ट्रैक बिछाई गई है सिर्फ और सिर्फ इस चैलेंज के लिए। ये चैलेंज सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है भाई आरसी ट्रेन का बस मॉडल तैयार कर दिया तुमने और बस जीत गए इस चैलेंज को, नहीं आरसी ट्रेन को तुम्हें चलाकर भी दिखाना होगा रिमोट से, और वो भी कहाँ चलाना है, इस रोड पे नहीं बिल्कुल इस वाले ट्रैक पे। मतलब ये नहीं कि ट्रेन के जैसा ढांचा बना दिया और नीचे टायर लगा दिए तो बात बन गई, नहीं बिल्कुल एकदम रियल ट्रेन बनानी है और इस वाले ट्रैक पर उस ट्रेन को दौड़ाना भी है, और जब बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली इस ट्रैक पर चल जाएगी भाई वो आरसी ट्रेन देन सिंपली वो बंदा विनर बन जाएगा इस पूरे के पूरे चैलेंज का। तो यस डेफिनेटली ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है, तो क्या तुम लोग इस चैलेंज को देखने के लिए तैयार हो और अपने प्रिडिक्शंस तुम लोग दे सकते हो भाई कि आखिरकार इस चैलेंज को जीतेगा कौन? और मेरी गाड़ी पानी में गई, वाओ बंद पड़ गई, ये चालू हो जा, थोड़ी बहुत काम कर रही है। खैर चलते हैं और इस गाड़ी को साइड में ले जा के रख देते हैं, और मैं भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है चैलेंज, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, लेट्स गो। चलो भाई सर मेरा भी नाम रजिस्टर किया जाना चाहिए चैलेंज के अंदर क्योंकि मैं भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यस सर। ओके तो गाइस इस चैलेंज में ऑफिशियली 3 बंदे पार्टिसिपेटेड है, माइकल फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर, और ये चैलेंज 12 बजे शुरू किया जाएगा और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे में 19 मिनट का, मैं ठीक है तैयार हूँ मैं, एंड यस चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। वैसे 12 बजे में सीरियसली में 19 मिनट ही कम थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम बीता है। खैर मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा बट टाइम, ये बंदे शांति से खड़े क्यों हैं? अरे चैलेंज स्टार्ट हो, खैर मुझे क्या, ओके इनको जो सोचना है सोचने, तो मेरे को भी अपना सोचना है भाई। 12 घंटे मेरे पास सिर्फ, मतलब 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे तक का मेरे पास टाइम है, उतने में ही मुझे अपनी आरसी ट्रेन रेडी करनी है। देखो नॉर्मल साइज़ की ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है इतना फिक्स है, और वो रिमोट से चलना चाहिए, ठीक है इतना मुझे पता है। अभी देखो गाइस सबसे पहले हमें एक ट्रेन का स्ट्रक्चर चाहिए, नया हो पुराना हो, कबाड़े में मिले, रेल यार्ड में मिले, कहीं भी मिले, बस मुझे एक ट्रेन का स्ट्रक्चर चाहिए।
तो अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। चलो भाई चलो 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 जल्दी उन बंदों को पीछे छोड़ो। पता नहीं वो लोग कैसे बनाने वाले हैं आरसी ट्रेन। शायद उन लोगों ने मंगवा दी होगी भाई आरसी ट्रेन, वो लोग तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। खैर कहाँ से आरसी ट्रेन का जुगाड़ होगा। सबसे पहले तो देखो गाइज, एज आई टोल्ड यू, मुझे एक ट्रेन का स्ट्रक्चर चाहिए। ट्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इंजन वगैरह लगा के कुछ तो झोलमाल करके गोलमाल करके और ट्रेन बना देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या प्राइस मिलता है। वैसे फर्स्ट प्राइस के बारे में इन लोगों ने बताया 100 करोड़, सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं इस चैनल में सेकंड प्राइस या थर्ड प्राइस है भी कि नहीं। खैर अब फर्स्ट प्राइस किसे मिलेगा, सेकंड प्राइस किसे मिलेगा, उसको जज करने के लिए भाई कोई नहीं आने वाला है। यस, वो जो तुम्हें ट्रेन ट्रैक दिखा था लंबा सा, उस ट्रेन ट्रैक को जिसकी ट्रेन शुरू से लेकर एंड तक कवर कर देगी भाई ट्रेन, वो सिंपली जीत जाएगी ट्रेन। तो ये है पूरा का पूरा प्लान और सब कुछ जीतने हारने का तरीका। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी गाइज पुराने वाले रेल यार्ड पे और वहाँ पर मैं कोशिश करने वाला हूँ एक ट्रेन का इंजन खरीदने की। बाकी उसको रिमोट से कंट्रोल करने के लिए देखेंगे, अभी पहले एक ट्रेन का इंजन तो मिले। चलो रेल यार्ड चलो भाई फटाफट फटाफट। इतनी दूर है वैसे, मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ तक है, बस थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करना है। इसी रास्ते को फॉलो करना है भाई, और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए फिर मुझे लेफ्ट जाना है एंड आई गेस देन फिर राइट जाना है। ओके काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ इस इलाके में मैं। ओके हाँ हाँ इधर ही जाना है। ये तो रही भाई पटरिया, एक सेकेंड, ये मेट्रो वाली पटरिया तो नहीं है, मेट्रो वाली ही लग रही है शायद। ओके और बस अभी सीधे जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे रेल यार्ड। लेट्स गो, क्या स्पीड है भाई इस गाड़ी, 300 की रफ्तार में भगा रहा हूँ। यस पहुँच चुके हैं हम लोग रेल यार्ड, पता नहीं इसका क्या नाम है, माइलो पार्क रेल यार्ड ऐसे कुछ तो। ओके नहीं मिरर पार्क रेल यार्ड, अरे कैसे नाम लिखा है, सारा नाम तो मिट गया है वहाँ से, मिरर पार्क रेल यार्ड। होपफुली यहाँ से अपने को ट्रेन का इंजन मिल जाएगा। दिख तो नहीं रहा है भाई सच बताऊँ तो मैं, ट्रेन के इंजन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये भी देखो एक डब्बा ही है नॉर्मल ट्रेन का, ये भी एक डब्बा ही है, और ये टैंकर है, यहाँ कंटेनर है, कंटेनर है, डब्बे तो दिख रहे हैं बस, इंजन कहाँ है, वेयर इज़ द इंजन भाई, सिर्फ डब्बे हैं तुम लोग देख सकते हो भाई। एक और उधर पटरी उस पर देखते हैं, होपफुली उधर हमें इंजन मिल जाए। नहीं कहीं भी नहीं मिलने वाला ये इंजन का बच्चा। यहाँ पर वर्कर्स बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो रिपेयर वगैरह कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे इंजन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और मेरी गाड़ी यहाँ से निकल भी नहीं पा रही, मैं फंस गया गाड़ी ले गए या फिर नहीं फंसा। एक सेकेंड इधर से इधर जा सकते हैं भाई, नहीं है इंजन। मैंने पूरे इलाके को अच्छी तरीके से देख लिया है और कोई इंजन नहीं मिला है मुझे। नाउ व्हाट शुड आई डू, हाँ उस बड़ी वाली जगह पे चलते हैं। अरे यार क्या नाम है उस जगह का, प्लेन बोनयार्ड, हाँ ऐसे कुछ नाम है, प्लेन ग्रेवयार्ड बोनयार्ड, जो बड़ा सा स्क्रैप यार्ड है जहाँ पर प्लेन वगैरह के भी स्क्रैप्स हैं। होपफुली वहाँ पर मुझे ट्रेन का इंजन मिल जाएगा। निकलते हैं यार वहाँ पर जल्दी से, पहले तो इस जगह से बाहर निकलते हैं एंड मैं निकल रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ से प्लेन बोनयार्ड की तरफ। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। जस्ट मेरे बगल से एक ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन को ही रोक दूँ क्या, और इस ट्रेन का इंजन लेके चला जाऊँ क्या। आइडिया वैसे ग्रेट है भाई, नहीं सीरियसली मैं आइडिया मस्त है, ट्रेन के इंजन से बात बन जाएगी भाई। लेकिन छोड़ो भाई, अपने चैलेंज के लिए मैं किसी ट्रेन को अब रोकने नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत मुश्किल है। GTA 5 की ट्रेन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। ओके अभी मैं फ़िलहाल प्लेन बोनयार्ड पहुँच चुका हूँ, होपफुली यहाँ पर मुझे ट्रेन का इंजन मिल जाएगा। देखो गाइस वो जो चैलेंज है जिसमें पार्टिसिपेटेड हम लोग अपने लॉस सैंटोस में, वहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि भाई तुम्हारी ट्रेन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी छोटी है, दैट डजंट मैटर। सिर्फ मैटर ये करता है कि तुम्हारी ट्रेन वो जो पटरी लगी हुई थी, बिछी हुई थी, उसको पूरा क्रॉस कर दे, क्लियर कर दे। ट्रेन में सिर्फ इंजन भी हो सकता है, तुम चाहो तो ट्रेन के पीछे कोच भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा फोकस क्या रहने वाला है, सिर्फ इंजन, मैं कोच वोच या ट्रेन को लंबा करने नहीं जाने वाला। मुझे बस एक ब्यूटीफुल सा इंजन चाहिए अपनी ट्रेन के लिए, जिसको मैं रिमोट कंट्रोल्ड बना दूंगा एंड देन मामला सिंपली सॉल्व हो जाएगा और इस चैलेंज को ईजिली जीत जाऊँगा मैं। बट यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, नहीं सीरियसली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो, नहीं भाई यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ बै ट्रेन के ये कंटेनर्स रखे पड़े हैं लेकिन ट्रेन का इंजन नहीं है। ये देखो ये कंटेनर वाला कोच, वह कहाँ फंस गया मैं।
भाई साहब ये देखो ट्रेन के वो टैंकर, लेकिन नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा मुझे ट्रेन का इंजन, मिल ही नहीं रहा। लगता है बस एक ही तरीका है गाइस, ट्रेन रोकनी पड़ेगी। और कुछ सूझ ही नहीं रहा भाई। मैंने सारी जगह के स्क्रैप यार्ड्स को चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, एक और स्क्रैप यार्ड बचा है, बट मुझे नहीं लगता वहाँ पर भी ट्रेन का इंजन मुझे मिलेगा। बट क्या बोलते हो, एक बार चेक करके आना चाहिए क्या? लॉस सैंटोस में है वो, चलो एक बार वहाँ भी चेक करके ही आते हैं। रास्ते में ही था एयरपोर्ट के, आते वक्त ही चेक कर लेना चाहिए था, भूल गया था मैं उसके बारे में। मुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बीत रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। फिलहाल इस वाले ग्रेवयार्ड, नहीं स्क्रैप यार्ड की बात कर रहा था मैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा है ट्रेन का कोई पार्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ट्रेन का इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है। भाई पहले तो कभी ना कभी भाई ट्रेन के पार्ट्स मिल ही जाते थे यहाँ पर, बट अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। निकल लो भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। लेट्स गो भाई, नहीं मिला। अब वही लास्ट ऑप्शन वही है मेरे पास, ट्रेन को रोको, GDA5 की ट्रेन को, लॉस सैंटोस की ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, वेपन स्टोर चलते हैं, वेपन्स खरीद के लाते हैं, एंड देन ट्रेन को रोकने के लिए चलेंगे। चलो वेपन स्टोर कहाँ है इधर? ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं वेपन स्टोर फाइनली पहुँच चुका हूँ। मेरे पास प्लान भी तैयार है ट्रेन को रोकने के लिए। देखो गाइस, हमें उस वाली ट्रेन का वेट करना है जिसके पीछे भाई ऑयल टैंकर्स नहीं होते रेड, उस वाली ट्रेन का वेट करना है। हेलो सर, वेपन्स दो। और जैसे ही वो वाली ट्रेन आएगी मुझे उसके ऑयल टैंकर पे फायर करना है, जिससे होगा क्या कि पूरी ट्रेन ही ब्लास्ट हो जाएगी एंड ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सिंपली हमें उसका इंजन मिल जाएगा। बस बढ़िया, बिंदास, चलते हैं। लेकिन कहाँ चले भाई? किस जगह से रोके ट्रेन को? उस डेजर्ट की तरफ से ही रोकते हैं भाई ट्रेन को, उधर थोड़ी खुली खुली जगह होती है, आसान रहेगा ट्रेन रोकना। चलो, वेयर इज़ द ट्रेन? भाई मेरे पास वेपन्स तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस मुझे ट्रेन चाहिए, वो वाली जिसमें ऑयल टैंकर होते हैं। मैंने नॉर्मल ट्रेन नहीं रुकेगी भाई, नॉर्मल ट्रेन का तो तुम्हें हाल पता ही है। GD5 की नॉर्मल वाली ट्रेन को रोक पाना 99.9% इम्पॉसिबल है। यस, अगर तुम लोग 1,000,000,000 बार ट्राई करोगे तब शायद उसमें से एक बार शायद रुक जाए ट्रेन। इतना हार्ड है नॉर्मल ट्रेन को रोकना। बट हाँ, ये वाली जो ट्रेन है, ये ऑयल टैंकर वाली, ये कभी कभी रुक जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा रुक जाती है, बट कभी कभी कुछ तो होता है और ट्रेन रुक जाती है। बट ये ट्रेन आ क्यों नहीं रही है? एक तो पहले ट्रेन का इंतज़ार करो, ऊपर से वो रेड वाली ऑयल टैंकर वाली ट्रेन होनी चाहिए। कब आएगी ये ट्रेन, कब, आखिरकार कब? एक खरगोश भाई पटरी क्रॉस कर रहा है, वाओ, वो देखो भाई, काफ़ी देर से वेट कर रहा है यहाँ पर ट्रेन के आने का, बट दूर दूर तक कोई ट्रेन के नामो निशान नहीं है, कोई ट्रेन मुझे आते हुए दिख भी नहीं रही है। नाउ व्हाट शुड आई डू? मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, गाड़ी लगा रहा हूँ चुपचाप, और बस शांति से RPG लेके इंतज़ार करूँगा। जैसे ही ट्रेन आएगी उड़ा दो, यस, ऑयल टैंकर पे फायर करो और उड़ा दो, डेट्स द प्लान, सिंपल एंड ईजी। बस एक बार ट्रेन आ जाए। ओके, फाइनली ट्रेन आ तो रही है, बट अपनी किस्मत कितनी ख़राब है यार। कौन सी वाली ट्रेन आ रही है? ये कंटेनर्स वाली, नॉट वो ऑयल टैंकर वाली। मुझे वो वाली ट्रेन चाहिए जिसमें वो रेड रेड ऑयल टैंकर, एक टैंकर भी होगा तो काम हो जाएगा, बट मेरी किस्मत ही आई गेस ख़राब है आज। ये देखो इस ट्रेन को तो कोई रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, जस्ट लुक एट दिस। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होगा यार इसे। इतनी मुश्किल से एक ट्रेन आई, वो भी ये वाली। खैर, अभी एक काम करते हैं, जहाँ दोनों पटरियाँ होती हैं वहाँ चलते हैं, कोई सी तो ट्रेन आ रही होगी, जा रही होगी, दोनों पटरियों पे, क्या पता एक साथ हमें ट्रेन मिल जाए। यस गाइस, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ थोड़े चांसेस ज़्यादा होंगे भाई। लेट्स गो। तो एग्जैक्टली इसी जगह की तलाश कर रहा था मैं। देखो भाई, यहाँ पर दोनों तरफ पटरियाँ हैं, इस पटरी पर ट्रेन इधर जाती है और इस बगल वाली पटरी पर ट्रेन उधर जाती है, तो कहीं से तो कोई ट्रेन आएगी जिस पर ऑयल टैंकर्स हो। बस हमें उसी वक्त का, उसी परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना है और ट्रेन को उड़ाना है। दैट्स द प्लान। आ जा भाई, किसी ट्रेन, किसी पटरी पे तो आ जा, ऑयल टैंकर वाली ट्रेन। वन मोर ट्रेन एंड यस फाइनली वो ट्रेन आ ही गई भाई, जिसका तुम लोगों को भी इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था, द रेड ऑयल टैंकर वाली ट्रेन। और सिंपली अभी से रोकने की कोशिश करनी है, फायर करना है मुझे कंटिन्यूसली इस ऑयल टैंकर पे, एंड देन होपफुली ये ट्रेन रुक जानी चाहिए। ओके, तीन टैंकर है, बात बन जाएगी। लेट्स गो कम ऑन। अबे यार, दो ही RPG शूट कर पाया मैं, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी गाड़ी मेरी घूम जल्दी भाई जल्दी। मेरी स्टिकी बॉम्ब्स कहाँ हैं? हाँ इनको लगा देते हैं भाई उस ऑयल टैंकर पे। यस कंटिन्यूसली लेट्स थ्रो। ओके कम ऑन एक और थ्रो। बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। मैंने बहुत सारे वेपन्स कलेक्ट कर लिए थे और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं सारे के सारे वेपन्स। अब इस ट्रेन को कुछ भी करके रोकना है मुझे बस, एंड डेट्स हाउ यू डू इट भाई। ओके ओके, अरे टक्कर लग गई भाई ट्रेन से। ओके कम ऑन, ये एक और स्टिकी बॉम्ब, लग जा भाई। मेरी गाड़ी साथ नहीं दे रही है भाई, लिटरली में मेरा पूरी गाड़ी पागल हो गई है। ओके फिर भी नहीं छोड़ने वाला इस ट्रेन का पीछा। अभी मेरे पास पता नहीं कितने और स्टिकी बॉम्ब्स हैं, सारे लगा देने वाला हूँ। अभी भी 10 हैं, लगा दो भाई कंटिन्यूसली थ्रो थ्रो। नाइस नाइस नाइस, ओके हियर वी गो। यस और लास्ट के ये बचे हैं 2, एंड इसी के साथ ब्लास्ट करते हैं इस ट्रेन को। और इसी के साथ ये ट्रेन अभी रुक जानी चाहिए। ओके तो ट्रेन तो रुक गई है, लेकिन ट्रेन के परखच्चे से उड़ गए हैं भाई इस ऑयल टैंकर के ब्लास्ट होने की वजह से। सारे कंटेनर, ये सारी ट्रॉलीज वगैरह सब कुछ बिखर चुकी है, बट सक्सेसफुली ट्रेन हमें मिल चुकी है। ड्राइवर पता नहीं कहाँ भाग गया बहुत बुरी तरीके से नहीं पलटी है, बस रुक गई है ये ट्रेन और बस उखड़ गई पटरी से ये। खैर अभी मुझे एक ट्रक चाहिए जिसपे इसको लेके जा सकूँ मैं। ट्रक पे चली जाएगी ये ट्रेन। ओके कैसे लेके जाऊँ? यस होपफुली ट्रक पे चली तो जानी चाहिए। पहले तो एक बढ़िया सा ट्रक लेकर आना पड़ेगा, हैवी सा। ओके इस गाड़ी को लगता है छोड़ने का टाइम आ चुका है। ओ वेट, एक ट्रक जा तो रहा है लेकिन इसके पीछे की ट्रॉली ही नहीं है। तो ढंग का ट्रक लेकर आते हैं और उस ट्रेन को लेकर चलते हैं। चलो भाई ट्रक तो लेकर आ गया, बट तुम्हें नहीं लगता भाई ये ट्रक कुछ ज़्यादा ही छोटा है? इसकी जान निकल जाने वाली है इंजन ले जाने में। शायद क्या पता ये ट्रक लेके चला जाए, रख के देख। अब रखूँ लेकिन कैसे? ओके भाई दूसरी ट्रेन आ रही है पीछे से एक। ओ नो व्हाट शुड आई डू? अबे यार कैसे लेके जाऊँ मैं, कैसे लेके जाऊँ? एक पीछे से और दूसरी ट्रेन आ गई, साइड में चले जाते हैं वरना उसको लगेगा कि मैंने ये उड़ाया है। ओके दूसरी ट्रेन चुपचाप निकल गई भाई, उसने कॉल तो कर दिया होगा लॉस सैंटोस ट्रेन डिपार्टमेंट को कि भाई यहाँ पर एक ट्रेन पलट गई है। खैर डिपार्टमेंट वालों के आने से पहले इंजन लेके यहाँ से निकल लेते हैं। हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग? फिलहाल मैं इस ट्रेन के इंजन को लेके जा रहा हूँ अपने ट्रक में। डेट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, और टेक्निकली भी ये पॉसिबल नहीं है, बट इट्स अ गेम। और यहाँ पर ट्रेन का इंजन जा सकता है ट्रक के ऊपर, वाओ। खैर अभी एयरपोर्ट में के मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, और टाइम देख सकते हो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। वैसे तो 7 बज चुके हैं शाम के, मेरे पास और 5 घंटे का टाइम है। पता नहीं भाई अपने दोस्तों ने क्या बिल्ड किया होगा अभी तक, बट मैं तो भाई इंजन का जुगाड़ करने में ही रह गया। ओके लेट्स ट्राई आखिरकार क्या होता है, और ज़रा मैं पूछूंगा भाई फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ये सब है क्या, सेकंड प्राइज भी मतलब कुछ है वह कि नहीं है। ओके एयरपोर्ट आ गए, अरे हट जाओगे, दिखनी रही ट्रेन आ रही है, हट जाओ सारे के सारे हट जाओ। ओ हटोए तो हट जाओ भाई, आ गए भाई। चलो भाई एयरपोर्ट के अंदर चलो फटाफट, मैं यहाँ तो चुका हूँ, बट जो भी दिख रहा है भाई यहाँ पर वो चीज़ देख के कुछ बात हजम नहीं हो रही है। ये ड्राइवर की ट्रेन है? आर यू रियली सीरियस भाई? ओके और वो माइकल की ट्रेन है, माइकल की ट्रेन तो कुछ खास नहीं है, बट सीरियसली मैं यकीन नहीं हो रहा यार ये ड्राइवर की ट्रेन है क्या भाई? ये तो लग रहा है फर्स्ट प्राइज यही ले जाएगा। सच में भाई क्या बुलेट ट्रेन लाया है ये, कहाँ से लेके आया है ये? मुझे तो कहीं भी नहीं मिली, ना ग्रेवयार्ड, अरे ग्रेवयार्ड नहीं भाई, ना स्क्रैप यार्ड में, ना रेल यार्ड में, ना प्लेन बोन यार्ड में, कहीं भी नहीं। और ये देखो ये माइकल का बच्चा पता नहीं क्या बना रहा है, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई। बट मेरा इंजन पता नहीं भाई कैसे कम्पीट कर पाएगा यहाँ पर ड्राइवर से। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, मैं ये पूछ रहा था कि कुछ प्राइज व्राइज भी है क्या, यानी प्राइज छोटा मोटा भी? सेकंड प्राइज है, कितने का है? 10 करोड़। और थर्ड प्राइज? 1 करोड़। अच्छा भाई, भाई फर्स्ट प्राइज 100 करोड़ का है, लगता तो नहीं है ड्राइवर के सामने मैं जीत पाऊँगा, लेकिन क्या पता, क्या पता भाई वो जो ट्रेन की पटरियों का जो ट्रैक है उस पे ड्राइवर की ट्रेन चल ही ना पाए। क्योंकि इन द एंड क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि ट्रेन का लुक बढ़िया हो या ना हो, मैटर ये करता है गाइस कि जो ट्रेन है वो शुरू से लेकर एंड तक इन पटरियों पर चल के जानी चाहिए, मतलब ट्रेन चलनी चाहिए इन द एंड इन पटरियों पर। अब क्या पता ड्राइवर की ट्रेन ना चल पाए, होप सो, तभी तो मैं फर्स्ट आऊँगा।
पता नहीं भाई, वरना लुक वाइज देखा जाए तो उसकी ट्रेन तो बहुत बेहतरीन है, क्या कोई बाद में जज करेगा? अरे मैं ही जज कर रहा हूँ इस हिसाब से। इस वक्त ट्रेन के लुक वाइज बात की जाए तो वो आता है फर्स्ट, मैं आता हूँ सेकेंड एंड माइकल आता है थर्ड। बट परफॉर्मेंस तय करेगा भाई कि आखिरकार इस ट्रेन बिल्डिंग चैलेंज का, RC ट्रेन बिल्ड चैलेंज का विनर कौन है। ठीक है, अभी कितना टाइम बाकी है? अभी तो 7:30 बजने वाले हैं, अभी लगभग 5.5 घंटे का टाइम बाकी है। अब अपनी ट्रेन को नीचे निकालते हैं और RC ट्रेन बनाने की कोशिश करते हैं। यस, दैट्स आवर प्लान, लेट्स डू इट। अरे उतर जा, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, अब इस ट्रक को साइड में लगाता हूँ और मैं तैयार हूँ एक बहुत ही तगड़ी वाली RC ट्रेन बनाने के लिए। मेरी गाड़ी वैसे गैस एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी है, ये ट्रक लेने गया था फैक्ट्री से, वहीं पर गाड़ी छोड़ के आ गया। खैर, अब ट्रेन को RC ट्रेन बनाने पर फोकस करते हैं और बनाते हैं द अल्टीमेट, द बेस्ट लुकिंग RC ट्रेन। हियर वी गो, लेट्स मेक इट। एंड टाइम जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बीत रहा है और तुम लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं भाई 12 बजने में और टाइम ख़त्म होने में, और आई गेस मेरा सारा काम हो भी चुका है, बस यही करना था। एंड यस, आई गेस आई डिड इट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ओके सर, टाइम एंड हो गया? ओ सीरियसली, टाइम एंड हो गया, फाइनली मेरे। देखते हैं भाई क्या होता है। ओए आ जाओ, ए इधर आ जाओ बे, सारे के सारे इधर आ जाओ। ओके गाइस, हम तीनों बंदों की ट्रेन रेडी हो चुकी है, वो है ट्रेवर की ट्रेन, ये है मेरी ट्रेन एंड वो है माइकल की ट्रेन। अब देखो भाई, यहाँ पर रूल सिंपल है, जो फर्स्ट आएगा उसे 100 करोड़, जो सेकंड आएगा उसे 10 करोड़, और जो थर्ड आएगा उसे 1 करोड़ मिलेंगे। रूल्स ये हैं कि जो पूरा का पूरा लंबा सा ट्रेन ट्रैक बिछा हुआ है उस पे किसकी ट्रेन शुरू से लेकर एंड तक पहुंच पाती है, और मान लो अगर तीनों की ही नहीं पहुंच पाई तो सबसे दूर तक किसकी ट्रेन पहुंच पाती है उसके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन तय होगा। एग्जैक्टली सर, यही सीन है ना? ठीक है सर। और अभी गाइस टाइम आ चुका है यही टेस्टिंग का, बट उससे पहले मैं ज़रा एक बार देखूं भाई किसने कैसी ट्रेन बनाई है, एक बार देखना बनता है यार टेस्टिंग से पहले। तो ये है ट्रेवर वाली ट्रेन जो कि आई गेस सबसे बेस्ट है अभी तक, लुक वाइज तो भाई ग्रेट है ये ट्रेन, बहुत अच्छी लग रही है यार, बुलेट ट्रेन ये वाली। ठीक है, मेरी भी ट्रेन बढ़िया ही है, वो बात अलग है, बस मेरी ट्रेन में बस एक इंजन है, बस डेट्स ऑल। तो ये है मेरी ट्रेन जिसे तुम लोग अच्छी तरीके से पहचानते हो, जानते हो, और अभी मैंने चला कर नहीं देखा है। अब रियल टेस्टिंग तो भाई जब ये ट्रेन चलेगी तभी पता चलेगा कि आखिर में रियल में ये ट्रेन आखिरकार बनी कैसी है। बाकी ये है माइकल की ट्रेन जिसने शायद जो इंजन है यहीं फिट कर दिया है और बस बना दी है ट्रेन। वाओ, ठीक है, इसकी ट्रेन के वैसे इंजन जैसा दिख नहीं रहा है, सबसे भद्दी जिसकी ट्रेन लग रही है वो यही है, इसका इंजन कहीं नहीं पता चल रहा है, ना हेडलाइट है ना इंजन है, बट क्या ही कर सकते हैं, उसकी ट्रेन उसकी मर्जी, जैसा मर्जी वो बनाए। तो सर सबसे पहले किसको जाना है? अच्छा माइकल को। ओके तो माइकल भाई जा, लेकिन जा क्या, RC ट्रेन है ये, तो तू रिमोट से चला। ओके तो अब माइकल की ट्रेन की है बारी जो की है ये वाली ट्रेन, और माइकल ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, तैयार है माइकल कंट्रोल के लिए। क्या लगता है तुम्हें तीनों में से किसकी ट्रेन विनर बनने वाली है? What do you think guys? जाकर कमेंट्स में प्रेडिक्शन करो। फिलहाल अभी माइकल की ट्रेन की टेस्टिंग है टाइम। मैं क्या कह रहा था सर, रात हो रही है, सुबह तक का वेट कर ले क्या, सुबह अच्छी तरीके से टेस्टिंग हो पाएगी ना। मान गया भाई बात तो मेरी, ये बंदा ठीक है, तो सुबह ही टेस्टिंग होगी। तो सुबह के गाइस बज रहे हैं 10 और ये है टाइम टेस्टिंग का। ये देखो यहाँ पर दिन के टाइम पे ट्रैक का ढंग से पता चल रहा है, अच्छी तरीके से टेस्टिंग हो पाएगी। रात के टाइम मान लो कोई साइड में जाके वापस आ जाता तो बढ़िया तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाती ना भाई, इसलिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। सर स्टार्ट कर दो टेस्टिंग। माइकल भाई रेडी हो जा, ट्रेन को ले जा तू पटरी पे। तो माइकल अपनी RC ट्रेन को चलाने के लिए रेडी, और यस वाओ चल भी रही है उसकी ट्रेन। अरे वाह भाई, जस्ट लुक एट दिस गाइस, इसकी ट्रेन में इंजन नहीं है बट स्टिल इसकी ट्रेन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। ओके पता नहीं भाई इसने कैसे बनाई है ये ट्रेन, बट रिमोट से चला रहा है और अभी तो चक्कर क्यों काट रहा है। अबे किधर लेके आ रहा है, अबे इधर हम सब खड़े हैं भाई। ओके साइड से लेके जा रही है, देखो गाइस कंट्रोल कर रहा है रिमोट से। चल भाई बस से बहुत चला ली तूने अपनी ट्रेन, इसको ले जा पटरी पे, वहाँ पर होगी रियल वाली टेस्टिंग। तो 2 डब्बों की ट्रेन है इसकी और टेस्टिंग के लिए तैयार है हम सब, देखते हैं कितनी आगे तक जा पाती है, लेट्स चेक इट आउट। ओके यहाँ पर ये लेके आ गया पटरी के ऊपर, यस यस गाइस यहाँ पर, अरे क्या हो गया, अब क्या कर रहा है भाई, ये पटरी के ऊपर ट्रेन लेके आ चुका है आई गेस। अब कर क्या रहा है तू, पता नहीं भाई इसकी तो ट्रेन ही नहीं फिट बैठ रही पटरी पे। ओके
टेस्टिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है गाइस, देखते हैं कितनी आगे तक जा पाती है पटरी पे इसकी ट्रेन। अभी तक तो देखो गाइस ठीक ही चल रही है। ओ नो, थोड़ी अजीबोगरीब तरीके से चल रही है। ओ नो, इसकी पटरी पे से बाहर जा रही है ट्रेन। ओके, ये शायद ओ नो गई इसकी ट्रेन गई। वाओ, ये तो होना ही था। ओके गाइस, इसकी ट्रेन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई पटरी के ऊपर, डेट्स वाई डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। और ये ट्रेन पता नहीं किस पोजीशन पे आएगी, अब तो वो बंदा ही बताएगा। वो पहले भाई मेजरमेंट करने वाला है किसकी ट्रेन कितनी दूर चलने के बाद पटरी से बाहर हुई है, उसके हिसाब से वो बंदा तय करेगा। ठीक है, वापस लेके आ गया अपनी ट्रेन। भाई इधर क्यों लेके आ रहा है, साइड में जाके लगा। ओए, मेरी ट्रेन में टक्कर नहीं मारने का। ओके, बस माइकल की टेस्टिंग डन, मेरी बारी है। लेट्स गो गाइस, आर यू रेडी? सर आपने डिस्टेंस नोट कर ली कितनी देर बाद उस पटरी से बाहर हुई थी ट्रेन? ओके, बहुत ही बढ़िया, मेरी बारी है गाइस। तो मेरी ट्रेन है ये, तुम लोग जानते हो, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है मेरी आरसी ट्रेन की। और यहाँ पर ये है मेरी ट्रेन। वाओ, कैसी चल रही है भाई? हेलो, पता नहीं भाई कैसी लग रही है। हेलो भाई, कैसी चल रही है? भाइयों बताओ तो, बढ़िया चल रही है ड्राइवर? लेट्स गो, मेरी ट्रेन मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। वाओ गाइस, चल तो बढ़िया रही है ये, भले ही एक सिर्फ इंजन ही है मेरी ट्रेन में, बट अच्छी तरीके से चल रही है। बस उस पटरी पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, मज़ा ही आ जाएगा। कहाँ है वो पटरी? अच्छा, पीछे ही है। ओके, लेट्स गो गाइस, लेट्स डू दिस। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई कैन डेफिनेटली डू दिस। भाई चलो, ये आ गई पटरी के ऊपर मेरी ट्रेन बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ आई एम रेडी। ओ वाओ, क्या बात है, क्या बेहतरीन तरीके से चल रही है ये। आर यू सीरियस भाई, क्या बात है। मेरी ट्रेन गई पानी में, अफसोस की बात है, बट जीत गया हूँ मैं। मज़ा आ गया, मेरी ट्रेन पानी के अंदर डूब गई। आरसी ट्रेन, यार ब्रेक लगाना ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, जीत गया मैं, एटलीस्ट ये मैटर करता है। बाय बाय मेरी ट्रेन, थैंक यू फॉर द फर्स्ट पोजिशन, थैंक यू वेरी मच मेरी ट्रेन, तू हमेशा याद रहेगी मेरी ट्रेन। वैसे मैं बता दूँ, वैसे भी जीता नहीं हूँ मैं, बट हाँ चैलेंज क्या था, कौन इस पटरी को पूरा कवर कर पाता है, और मैंने बहुत ही स्पीड के साथ बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है इस पूरे के पूरे ट्रेन ट्रैक को। अब अगर ड्राइवर कहीं भी बाहर हो जाता है, इधर से पटरी से उतर जाती है इसकी ट्रेन, तो सिंपली मैं विनर बन जाऊंगा। और मुझे लगता है ड्राइवर भाई चोक करेगा, यस उसकी ट्रेन पटरी से बाहर ज़रूर निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। अभी कितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लूँ, वो ट्रेन पानी के बाहर नहीं आने वाली है। एंड इट्स द टाइम फॉर ट्रेवर। ट्रेवर कंट्रोल कर भाई अपनी बुलेट ट्रेन। भाई सीधे इस बंदे ने आरसी बुलेट ट्रेन बनाई है। हम सब ने भाई लोकल ट्रेन के बारे में सोचा, इस बंदे ने सोचा कि भाई नहीं सीधे बुलेट ट्रेन बनाएंगे। और धुआं क्यों आ रहा है इतना बुलेट ट्रेन में से, पता नहीं, आवाज़ सुनो बुलेट ट्रेन की, वाह अलग ही आवाज़ है। खैर देखते हैं आखिर फर्स्ट पोजिशन को कौन जीतता है। और यहाँ पर इसकी बुलेट ट्रेन आ चुकी है भाई ट्रैक के ऊपर। ओह, इसकी भी ज़्यादा हिल डुल नहीं रही है ट्रैक के ऊपर गाइस। व्हाट डू यू थिंक, क्या ट्रेवर सच में जीत सकता है या फिर मैं ही बनूंगा द अल्टीमेट विनर? व्हाट डू यू रियली थिंक? फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर ने अपनी बुलेट ट्रेन को सक्सेसफुली भगाना शुरू कर दिया है। ओ वाओ, ये तो होना ही था, इसकी ट्रेन हो चुकी है पटरी से बाहर। और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से झटका लगा भाई इसकी ट्रेन के अंदर, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। नहीं देखा तो भाई रिवाइंड करके देखो, इसकी ट्रेन चलते चलते फुल स्पीड में एकदम से झटका लगा और बस ये हाल हो गया ट्रेन का। आई एम सॉरी ड्राइवर ब्रदर, बट यू लूज इट, मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। तो सर अनाउंस कर दो द अल्टीमेट विनर के बारे में, बता दो सर सबको कि मैं हूँ द अल्टीमेट विनर। क्या 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 क्या, ड्राइवर अल्टीमेट विनर, ऐसे कैसे? अबे ऐसे कैसे कह रहा भाई तू? अबे ये तो मेरे संग धोखा है भाई, ऐसे कैसे ड्राइवर अल्टीमेट विनर? अबे ये अलग ही खुश हो गया। अरे सर ऐसे कैसे, जरा मेरे को बताओगे ये कैसे जीत सकता है? मेरी ट्रेन ने तो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था ट्रैक को। ओके गाइस, ये बंदा कह रहा है कि इसने फुटेज को अच्छी तरीके से देखा है, और जब मेरी ट्रेन भाई पटरी के ऊपर चल रही थी तो ये कह रहा है कुछ सेकंड्स के लिए मेरी भी पटरी से बाहर आई थी ट्रेन और वापस वो पटरी पे चढ़ गई, तो इसीलिए ये मेरी ट्रेन को भाई सेकंड पोजीशन दे रहा है, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा बीच में ये कह रहा है कि तुम्हारी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और तुमने वापस कर ली। पता नहीं भाई, मेरी ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट थी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि पटरी से उतरी भी है कि नहीं, बट यहाँ पर ट्रेवर को द अल्टीमेट विनर बना दिया इन लोगों ने। खैर
यार ये तो चीटिंग है भाई, तुम लोग बताओ भाई ये चीटिंग है कि नहीं, या फिर सच में ही मेरी ट्रेन पटरी से उतरी थी कि नहीं, तुम लोग बताना भाई कमेंट में जाकर। मेरे तुम लोग ट्रेन जब जा रही थी भाई देखना यार, मुझे नहीं लगता पटरी से उतरी है। खैर जो भी हो, इतनी मेहनत के बाद चलो 10 करोड़ तो मिले, 100 करोड़ कहाँ मिलने वाले थे, बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगेगा भाई चीटिंग हुई है डेफिनेटली। अब तुम लोग बताओ भाई चीटिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, क्या मेरी ट्रेन सच में ही पटरी से कुछ देर के लिए उतरी थी या फिर नहीं। खैर जो भी हो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।